joining, and a very warm welcome to all of you from Discovery Ride with Rafa Aslam. And I tell you one thing, basically I'm hopping from district to district in Kashmir. और मैंने वैसे अगर स्टार्ट बताऊँ तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, सर जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हवेली डिस्ट्रिक्ट से होते होते आई वेंट टू रावला कोट एंड कूच डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आई वेंट टू सुदनोते डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आई वेंट टू बाग डिस्ट्रिक्ट, और अभी मैं मौजूद हूँ जेहलम वैली डिस्ट्रिक्ट में. और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली जिस शहर में जा रही हूँ दैट इज़ चकार. और चकार में भी बहुत मज़े की बड़ी खूबसूरत सारी जगह हैं. वे आई एम गोना गो टुडे. 1947 से पहले ये शहर जो है बहुत अहमियत का हामिल होता था. यहाँ पे बहुत सारे मेजर जो स्कूल्स थे वो होते थे गवर्नमेंट्स के स्कूल्स, और बच्चे जो थे बाकी स्कूल से यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे. उसके अलावा इट वॉज़ अ बिगेस्ट ट्रेड सेंटर, तजारत का एक बहुत बड़ा मरकज़ होता था पहले, एक्चुअली 1947 से पहले. और हिस्टोरिकली भी अगर देखें तो हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट ये शहर है उस हवाले से ना. सो आज जो है बेसिकली मैं आज इस शहर को एक्सप्लोर करूँगी. हमें बहुत सारी जगह है वेयर आई एम गोना गो टुडे. और अगर इसके डिस्टेंस के हवाले से बात करूँ तो ये अच्छा वैसे आ जाता है मुजफ़्फ़राबाद से भी. अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो मुजफ़्फ़राबाद आएँ, मुजफ़्फ़राबाद से आप डायरेक्ट आ जाएँ चकार, यानी कि आप डायरेक्ट आ जाएँ मुजफ़्फ़राबाद से झेलम वैली डिस्ट्रिक्ट में. लेकिन मैं तो चूँकि बाग डिस्ट्रिक्ट में थी और मैं उस साइड से आई हूँ, और इससे पहले मैं सूदन गली में थी, तो सूदन गली का रास्ता मैंने लिया और वहाँ से फिर आई बीन देयर इन झेलम वैली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आई एम इन द सिटी इन चकार. और बस आज इसी को एक्सप्लोर करेंगे. सो मैं झेलम वैली डिस्ट्रिक्ट जो है उसको पूरा तो मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगी, लेकिन स्पेसिफिकली मैं इसके शहर में रहूँगी चकार में. और यहाँ पे जितनी भी जगह होंगी मेरी कोशिश होगी कि मैं वो सारी की सारे मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको कवर कर सकूँ. और आज की जो मेरी डेस्टिनेशन है वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, दैट इज़ नून बंगला. और उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगी, लेकिन डायरेक्टली जो है आई एम गोना गो देयर. और एज आई ऑलवेज से कि वेयर एवर आई गो, इवन इफ़ आई एम इन कश्मीर या फिर किसी भी और जगह पे, और कैसा भी रास्ता हो, कैसी भी जगह हो, कैसा भी मौसम हो, पैंथर टायर्स जो है वो मुझे एक मेजर सपोर्ट देते हैं, मेरी बाइक को बेसिकली एक मेजर सपोर्ट देते हैं, बिकॉज दे आर रिलायबल, इनकी रोड ट्रिप बहुत अच्छी है एंड देर ऑलवेज ट्रस्ट वर्दी, तो इन पर आप हमेशा यकीन कर सकते हैं. एंड वन थिंग मोर विच आई ऑलवेज से कि आप जब भी पहाड़ों पर बाइक चलाएँ तो आपने अपनी सेफ्टी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है. आपने जो है एक तो सेफ्टी गियर्स उनको लाजमी पहनना है, ग्लव्स वगैरह पूरा जिस तरह से भी है आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है. एंड वन थिंग मोर विच आई ऑलवेज से इज़ कि आपने जब भी बाइक पे ट्रैवल करना है और आपने जब भी पहाड़ों में सफ़र करना है, वैसे तो जनरली भी, तो आपने हेलमेट जो है वो लाजमी पहनना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है. और उसके अलावा सेफ्टी जो है आपने अपनी सेफ्टी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, सेफ्टी गियर्स वगैरह जो है वो भी आपने लाजमी पहनना है. सो अभी जो है मैं बस जा रही हूँ नून बंगला की तरफ, और चल के आपको वो दिखाती हूँ. इस वक्त नून बगला में मौजूद हूँ, और जब मैं नून बगला की तरफ जा रही थी तो मैं चूँकि रास्ते में लोकेशन का पूछते आ रही थी, क्योंकि रास्ता जो है ना वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था. तो मुझे एक रास्ते में लोकल मिले, तो उन्होंने कहा कि जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे ना तो उससे पहले एक जगह आती है नून बगला गाँव के पास ही करीबी, तो उधर पत्थर हैं पड़े हुए ऊपर पहाड़ पर ना, अंदर छोटे छोटे पत्थर जो कि आप अभी इस वक्त देख भी सकते हैं, उन पत्थरों के पास आप जाके देखिएगा आपको वहाँ से ठंडी हवा महसूस होगी. मैंने कहा शायद ऐसे ही कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी ठीक है ओके. और अभी वो मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे आई हूँ और मैं चेक कर रही हूँ, और हवा यहाँ से इतनी ठंडी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हमने 16 डिग्रीज पे ना टेम्परेचर अंदर उसका रख के तो हमने एसी चलाया हुआ, इतना ठंडा है अंदर से. आप थोड़ी देर हाथ अंदर करें ना तो आपका हाथ ही ठंडा हो जाता है, और आपको नज़र आ रहा होगा ये पत्ते हिल रहे हैं सारे.
एक तो हवा आ रही है और ऊपर से यख ठंडी हवा आ रही है। वैसे अभी मौसम ऐसा है कि धूप निकली हुई है और कोई ना सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है, इस तरह का मौसम है। लेकिन इसके आगे जैसे ही होते हैं ना तो आपको अच्छी खासी जो है ना ठंड महसूस होती है। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म क्या है, बट व्हाट आई कम टू नो इसके शायद इसी तरह से थ्रू आउट ऊपर सारे पत्थर बने हुए ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर भी इसी तरह से होल्स है, तो वो उसकी वजह से हवा जो है आर पार होती है और अंदर तो आपको पता है कि मिट्टी है और पत्थर है, तो अंदर तो वैसे ही ठंडा होता है, तो उसकी वजह से जब हवा आर पार होती है तो ठंडी हवा निकल के बाहर आती है। दिस इज अमेजिंग। जहाँ मैंने एग्जैक्ट जगह पर जाना ना, बेसिकली वो जो हैं तो मेडोज, बट उसका रास्ता ये जो मैं जा रही हूँ ना अभी, वैसे तो आप हाइक करके भी आ सकते हैं लेकिन मेरी बाइक मेरे साथ है तो मैंने कहा चले मैं बाइक को ही ले लेती हूँ और बाइक पे ही चलती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, थोड़ा सा नहीं थोड़े से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रास्ता है, लेकिन ये है कि पेंथ टायर्स आर विद मी, तो इससे मुझे टेंशन नहीं, मैं आराम से सुकून से तसल्ली से जो ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आई हूँ। बस थोड़ा सा ट्रैक रह गया, वो कह के तो खींचे एग्जैक्ट जो जगह है वहाँ चलती है। मैंने थोड़ा सा ऑफ ट्रैक कर लिया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जितना मैंने ऑफ ट्रैक कर लिया उतना से आगे रह गया, कह लें कोई 15 मिनट का, कोई 15-20 मिनट का इतना ही रह गया, तो मैं सोच रही हूँ मैं चल के चलती हूँ। तो बाइक को मैं करती हूँ यहीं पर पार्क और हम फिर पैदल चलते हैं और पहुँचते हैं उन मेडोज पे। मैंने ट्रैकिंग शुरू कर दी है और इसका जो रास्ता है ना गांव से होके जाता है, ये सारे घर भी बने हुए हैं। यहाँ पे एक मुझे बच्चा मिला था, पता नहीं मेरे ख्याल से घर चला गया, और आप पीछे देख सकते हैं ये बकरी जो है ये तो सस्ता रही है, आराम कर रही है, हवा चली ना ठंडी से जैसे मुझे लगता है इसने खाना चुना खा लिया। और ये जो है छोटी वाली बच्ची ये अभी खाने के लिए कुछ देख रही है, तो बस कोई थोड़ा सा ही ट्रैक है वो करना है और फिर हम पहुँच जाएंगे नीचे अपनी लोकेशन पर। मैं जब से कश्मीर में आई हूँ ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है जो कि मुझे हर जगह पे मिली है। कैन यू सी द फ्लावर्स बिहाइंड मी, ऊपर तक है। अच्छे वाले जो फूल है ना सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये आपको थ्रू आउट नज़र आते हैं। मेरे ख्याल से इनका सीज़न है आजकल, शायद इस वजह से नज़र आ रहे हैं। जिस भी इलाके में जाएंगे ना आपको ये वाले फूल नज़र आएंगे, एक तो आपको इस कलर में नज़र आएंगे पिंक कलर में, और दूसरे जो है आपको वाइट कलर में नज़र आएंगे, और ये बहुत ही खूबसूरत फूल है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी इनकी किस्म है, खुशबू भी बहुत प्यारी है, लेकिन दीज आर रियली ब्यूटीफुल। हमारे इलाकों में तो आपको पता है कि हमें
खुद फूल लगाने पड़ते हैं, लेकिन इस तरह की जगहों पे नेचुरल एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जगह जगह पे आपको इस तरह के जो फूल हैं वो नज़र आ जाते हैं। अच्छा, ये तो एक स्पेसिफिक टाइप है जो मुझे सिर्फ कश्मीर में नज़र आई है, लेकिन इसके अलावा रास्ते में आप जाए ना, आपको और तरह के भी बहुत सारे फूल नज़र आते हैं, छोटे छोटे जो ज़मीन से उगे होते हैं इस हाइट के ना। सो ये एक और चीज़ है जो कि कश्मीर की खूबसूरती में इजाफा करती है कि आपको हर जगह पर दरख्तों और पहाड़ों इन चीज़ों के साथ साथ फूल भी नज़र आते हैं। फाइनली फाउंड अ शॉप। मैं कब से देख रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली आई हैवंट केप्ट एनीथिंग टू ईट टुडे, और मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा मिल ही जाए, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं, बट आई फाइनली फाउंड अ शॉप। नीचे जाते हुए कुछ खरीदती हूँ, लेती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ। इसको अल्लाह चश्मा कहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सही सच बात बताऊं तो मैं ख़ास तौर पे इस जगह पे इस चश्मे के लिए आई हूं, क्योंकि इस चश्मे के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। बगला के बिल्कुल नीचे आ गई हूँ, जो एग्जैक्ट जहाँ पे गांव मौजूद है। ये बिल्कुल एक वादी सी बनी हुई है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे घर भी मिलेंगे। नीचे जैसे आप आते हैं, थोड़ा सा मैदानी इलाका जो उसको क्रॉस करके, तो आते ही सबसे पहले तो आपको एक मस्जिद मिलती है, और मस्जिद के साथ ये चश्मा मौजूद है, और इसको अल्लाह चश्मा कहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सही सच बात बताऊँ तो मैं ख़ास तौर पर इस जगह पर इस चश्मे के लिए आई हूँ, क्योंकि इस चश्मे के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। इस चश्मे को मौजाती चश्मा भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला के नाम का वेट करते हैं, तो आपको यहाँ से भी पानी जो फूटता हुआ नज़र आ रहा है उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से फूटना शुरू कर देता है। डेफिनेटली इट फील्स समथिंग जो शायद आप अल्फाज में उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सके। अच्छा, ये उसी चश्मे का पानी, और इसको चैनलाइज किया गया, ये एक ट्यूब और ये पाइप सा कहलें क्या बनाया हुआ है, और इसी के थ्रू जो है पूरा गांव, ये पूरा जो नून बगला है, पानी यहीं से इस्तेमाल करता है। आगे अगर थोड़ा सा मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँ, तो वहाँ पे वज़ू करने के लिए भी कुछ छोटी छोटी ना चैनल्स बनाई गई। सो ये पानी, इसके बारे में कहा जाता है कि अभी हमें यहाँ पर एक लोकल और भी, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, सारे गाँव के लोग, कितने सारे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े लोग भी मौजूद हैं। सो उनमें से एक है बुज़ुर्ग, काफ़ी एजड हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब से मैं हूँ एटलीस्ट मैंने इस पानी को बंद होते नहीं देखा, ये इसी तरह इसी फ्लो से चलता है, और गांव के जितने भी लोग हैं इसे पानी को पीने के लिए और बाकी सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इस पानी की खासियत क्या है? बेसिकली कहा जाता है कि इस पानी में शिफा है। ख़ास तौर पर क्या होता है कि जो आपको हो जाती है ना किडनी स्टोन्स, जैसे गुर्दे की पथरी कहते हैं, उसे कहते हैं, उसको ट्रीट करती है ये। आप पूरे इलाके में
इन सब लोगों का, ये जो लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे गांव में कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं है जिसको किडनी स्टोन हो, इस तरह के कोई मसला हो. वो इस रेफरेंसेस की बात कर रहे थे कि वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स वेंट आउटसाइड फ्रॉम हेयर. तो वो कहते हैं कि पानी के सिर्फ इस्तेमाल की वजह से, कहने का मकसद ये कि पानी प्योरीफाई भी इतना है, साफ़ भी इतना है, तो वो पानी साफ ना इस्तेमाल होने की वजह से या ये वाला पानी ना दस्तयाब होने की वजह से उनको किडनी स्टोन भी हो गए. और ये भी कहा जाता है कि लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ से मुजफ़्फ़राबाद जो हो गया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से भी आते हैं. गाउटर की एक डिज़ीज़ होती है ना, जिसे उर्दू में या पंजाबी में गिल्लड कहते हैं, यहाँ पर आपके बहुत ये स्वोलन हो जाते हैं दोनों साइड से, या यूँ इधर भी स्वोलन हो जाते हैं. तो गाउटर को ट्रीट करने के लिए भी इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है. लोग आते हैं और ये शिफा वाला पानी जो है उसको इस्तेमाल करते लगाते हैं और फिर वो सेहतयाब हो जाते हैं. तो मैं अभी पानी भर के पीऊँगी भी, मुझे तो वैसे भी प्यास लग गया. उफ, बहुत ठंडा पानी है. आप ये देख रहे हैं, ये स्टीम स्टीम आपको भाव से नज़र भी आना चाहिए, बहुत ठंडा पानी है. ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी ना फ्रिज में से निकाला है ठंडा. और ये पानी इट्स सुपर प्योरीफाइड. ये भी कहते हैं कि जो नॉर्मली हम लोग मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, यानी कि जो शहरों में एक मिनरल वाटर इस्तेमाल किया जाता है, उससे 10 times ज़्यादा प्योर वाटर है ये. यही ख़ास चीज़ें होती हैं बस बेसिकली गांव देहातों की, और इस तरह की जगह ख़ास तौर पे पहाड़ों में देखें हम पानी, ये चश्मा जो है पहाड़ों से ही फूट के निकला हुआ है ना उन्हीं के बीच में. तो ये जो कुदरती पानी है और कुदरती जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी प्योरीफाइड होती हैं, और आपके हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है. इसलिए तो यहाँ के लोग भी ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, और बीमारियों से भी दूर होते हैं, और उनकी एज भी माशाल्लाह से कितनी लंबी होती है, और वो एक्टिव भी होते हैं, हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं. इन द मिड ऑफ नून बगला. और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ उसको नून बगला क्यों कहते हैं. तो अगर आपने नून की शेप देखी हो तो ऐसे होती है ना, नून और बीच में नुक्ता. तो ये जो वैली है, जो वादी है, बिल्कुल पहाड़ों से तीन तरफ से घिरी हुई है और एक तरफ जो है ना वो खाली है. सो इफ़ यू सी लाइक फ्रॉम अबव तो आपको नून जो है उस शक्ल में बना हुआ नज़र आएगा और एक तरफ आपको खाली नज़र आएगी, और जो मिड पॉइंट है ये इसका नुक्ता है नून का ना, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मिड में भी नज़र आ रहा होगा, और मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ तो इसलिए इसको नून बगला कहते हैं. और ये बहुत ही खूबसूरत वैली है. मुझे ये वो जगह है जिस पर मुझे आकर लगा है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस आई वॉन्ट टू स्टे हेयर एज वेल. वाई डू आई वॉन्ट टू स्टे हेयर मैं आपको बताती हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे आके एक चीज़ फील हुई कि घर यहाँ पे बिल्कुल एक वैली होती है ना, जैसे प्लेन एरिया चारों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ों में, और मिड में दैट स्पेसिफिक स्पॉट, तो वहाँ पे साथ 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 घर बने हुए हैं, सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, सब साथ साथ बैठे घरों में आपस में बातें कर रहे हैं, बच्चों को मैं देख रही हूँ आपस में सब खेल रहे हैं, कोई बहन से चरा रहा है, यहाँ से किसी की बकरियाँ आ रही हैं, यहाँ से किसी की बहन से आ रही हैं, यहाँ से किसी का कुत्ता आ रहा है. तो ऐसे होता नहीं जैसे आप फेरी टेल्स में एक छोटी सारी एक कम्युनिटी देखते हैं जहाँ पर सब लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं दूर दराज कहीं पहाड़ों में, और थोड़े से वो लोग होते हैं मिलजुल के रह रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बाहर की दुनिया का एक बाकी चीज़ों का उनको कुछ उस तरह से आइडिया नहीं होता. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस विच आई फेल्ट के इट्स समथिंग वेयर आई कुड स्टे एज वेल टू फील दैट थिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग विच एक्चुअली फील्स लाइक फेरी टेल्स. और आपको पता है कि उन जगहों पर उस तरह वाली फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें भी नहीं होती. वो तो खैर आई गेस कश्मीर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे शायद उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच रही, विच आई एम श्योर के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट वुड बी सीइंग ऑन दैट एज वेल, और स्पेसिफिकली नून बगला के हवाले से भी दे मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं काफ़ी अरसे से, यानी कि सदियों से लोग रहते आ रहे हैं,
लेकिन चूंकि टू कीप अप विद द टाइम दे नीड टू हैव ऑल ऑफ दोज फैसिलिटीज एज वेल जो बाकी लोग जो हैं जिनको अवेल करे होते हैं. दूसरा मसला ये है कि इसका रोड उतना अच्छा नहीं है. जब शुरू से आते हैं तो आपको शुरू में एक पक्की रोड मिलती है और वही रोड आते 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 ख़राब हो जाती है और बिल्कुल अगर एंड तक आएँ तो एंड पे तो बहुत ही बुरी हालत है, बिल्कुल कच्चा रास्ता है. अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आपको स्टीप वे में नहीं जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आगे बढ़ता है लाइक स्टीप होने के हवाले से. लेकिन वैसे रोड अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है. और अगर इसकी रोड भी अच्छी हो जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी जगह है कि लोग इसको मिस करें. पीपल वुड लव टू कम हियर एज आई लव्ड टू बी हियर एज वेल. क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं फेरी टेल्स की कहानी में एक जगह होती है ना, मैं वहाँ पे आ गई हूँ. अदर एग्जाम्पल, आपको मेरे पीछे स्कूल भी नज़र आ रहा होगा. तो आपने नॉर्मली, आपको होता है कि शहरों में क्या होता है कि हमने जब अपने घर से अपने स्कूल ट्रैवल करना होता है तो कम अज़ कम भी कोई 15-20 किलोमीटर्स का रास्ता होता है या इस तरह से सफ़र होता है. और स्कूल जाएँ कहीं और जाएँ, हर जगह जो है वो दूर दूर होती है और अलग अलग होती है. मतलब पास भी हो बट हर एक का अपना एक वो होता है. घर जो है वो आपको एक अलग सेक्टर में मिलेगा, स्कूल जो है उनके फैसिलिटीज़ अलग. अगर आपने मार्केट जाना है तो उसकी आपको फैसिलिटीज़ एक अलग जगह में मिलेंगी. लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे यू कुड फील लाइक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू एट लाइक इन फ्रंट ऑफ योर आईज़. आप देखें, आपके सामने स्कूल है, आप सोचें कि यहाँ घर है, आप घर से निकल के आप स्कूल जा रहे हैं, यहाँ से स्कूल से निकल के फिर आप अपनी भैंसों को चराने लेके जा रहे हैं, अपनी बकरियों को लेके जा रहे हैं. सो ये एक फील ऐसी है विच इज़ लवली. और यहाँ पर मैं मुर्गियों को भी देख रही हूँ. यहाँ पर छोटा सा एक एरिया हर घर के साथ बना हुआ है जहाँ पर उन्होंने अपनी जो है सब्जियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको उगाया हुआ है. और मुर्गियाँ जो हैं वो भी दाना चुन रही हैं, बहुत सारी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं. बकरियाँ जो है वो अलग से लगी हुई हैं. और फिर यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ भी हैं. चूँकि अभी मैं ऑफ सीज़न आई हूँ, अभी आपको कोई एस सच फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे जो दरख्त हैं मौजूद हैं, सेब के, अखरोट के. यहाँ पर यू नो कुछ ऐसा नहीं है विच यू फील लाइक इज़ मिसिंग. एंड इट्स लाइक अ कम्प्लीट लाइफ ओवर है, लाइक कम्प्लीट ऑर्गेनिक प्योर लाइफ ओवर है एट दिस विलेज इन नून बगला. बीचों बीच खड़ी हूँ और मेरे पीछे थ्रेशर लगी हुई है और गंदम की कटाई के बाद जो है ना गंदम निकाली जा रही है. मैंने एक्चुअली ये पहली बार देखा है. नॉर्मली हमारे पंजाब के जो गांव देहात हैं वहाँ पे तो ऐसे होता है, लेकिन पहाड़ों के अंदर मशीनरी काम करी हो इस तरह से गंदम निकालने के लिए, ये मैंने पहली बार देखा है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और इससे पहले मैं गई थी दून बगला, वहाँ से आई वापस. और उसका जो रास्ता है ना, शुरू में तो अच्छा खासा, यानी कि निकलते वक्त ना अच्छा खासा ऑफ रोड था और था अभी लंबा. आते आते मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया. और अभी मैं पहुँच गई हूँ चकार, जहाँ पर मेरा स्टे है. आज मैं थोड़ा जल्दी वापस आ गई हूँ क्योंकि आज मैं अच्छी खासी थक गई हूँ. इट्स बीन लाइक यू नो
यू कुड सी ऑलमोस्ट 2 weeks दैट आई एम इन कश्मीर. और फिर आपको पता है कि रोज़ सुबह सुबह निकलना और रात में देर तक वापस आना. सो दो हफ्तों से बिन कीप ट्रैवलिंग, बिन कीप एक्सप्लोरिंग, बिन कीप राइडिंग द बाइक एंड वी बिन कीप हाइकिंग. तो उसकी वजह से ना अब थोड़ी सी ऐसी थकावट भी महसूस होना शुरू हो गया. तो उसकी वजह से मैं फिर क्या हुआ कि जल्दी वापस आ गई. तो अब मैं जल्दी तो वापस आ गई हूँ और मेरे पास अच्छा खासा टाइम है अभी. तो वो पता ना कि चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता कि जाके मैं अंदर जाके रेस्ट कर लूँ या नहीं. तो रात करनी है रेस्ट, मेरे पास अभी टाइम है. तो टाइम से फ़ायदा उठाते हैं, बाइक शेक को मैं करती हूँ पार्क. और यहाँ पे चकार में जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ बिल्कुल साथ एक गाँव है. और अभी काफ़ी चूँकि शाम हो रही है ना तो काफ़ी सारे लोग बाहर भी आए हुए हैं. तो बस मेरा दिल यही करा है कि मैं गाँव में निकलती हूँ, थोड़ी सी वॉकशॉक करती हूँ, इन्जॉय करती हूँ और फिर उसके बाद जाऊँगी अपने रूम में. अभी मैं मौतर गांव में मौजूद हूँ. ये बिल्कुल चिकार जो रिज़ॉर्ट है उसके पास ही है और इसको ओवरऑल वैसे चिकार गांव भी कहते हैं. और अभी चूंकि धूप ढलगी हुई है, शाम हो गई है और अभी का जो कह लें कि इन्वायरमेंट है इट्स लाइक वेरी फ्रेश. और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो अपनी बहन से और अपनी बकरियाँ लेकर चराने के लिए वहाँ पर हैं क्योंकि मौसम अभी अच्छा हो गया हुआ है ना. सूरज जो था वो पीक पे वो नीचे आ गया हुआ है और अभी वो टाइम है जहाँ पे जिस तरह हमारे पंजाब के गांव में भी होता है ना गांव देहात में कि सारे लोग बाहर आ जाते हैं शाम के वक्त में. जो मर्द हज़रात होते हैं चार पे बिछा के एक जगह पर वो अपनी कॉन्वर्सेशन की चल रही होती है. क्योंकि यहां से मैं होकर आई हूं ना तो वहां पे देवर सिटिंग ओवर देयर एज़ वेल. और यहां पे खवातीन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अपनी बकरियाँ भेड़े और अपनी भैंस से लेकर आई हुई हैं. यहाँ पे गंदम की कटाई हुई है. इट इज़ एक्चुअली अ कम्प्लीट विलेज. अभी मुझे इस गांव से बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही है जैसे हमारे पंजाब के गांव होते हैं ना और शाम के वक्त में वहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे सेम एनवायरनमेंट मुझे इधर भी फील हो रहा है. उसी गांव के पानी के नाले के बीचों बीच बैठी हुई हूँ एंड लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. ये जो नाले का पानी आपको पता है कहाँ से आ रहा है? आज मैं नूनबगला गई थी ना और वहाँ पे आपको मैंने अल्लाह चश्मा दिखाया था. सो बेसिकली ये जो पानी है इस चश्मे का उसी नूनबगले से आ रहा है. यानी कि एक तो अल्लाह चश्मा हो गया वहाँ से और शायद हो सकता है कुछ और चश्मे मिल के यहाँ पर पानी आ रहा हो. बट दिस इज़ सच न्यू थिंग फॉर मी. मैं तो रेंडमली इस गांव में आई थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं चिकार में रुकूंगी ना. आई वॉज नॉट श्योर. इतना मुझे पता था कि मैं चिकार में ही रुकूंगी लेकिन एग्जैक्टली जगह का नहीं पता था. तो आपको इंसिडेंट्स चेक करें कि मैं जिस जगह पे रुकी हूँ और फिर जिस गांव का मैंने सोचा है कि मैं घूम कर आती हूँ चक्कर लगा के आती हूँ उसी गाँव का पानी उस जगह से आ रहा है जिससे मैं कोई 2-3 घंटे की मुसाफत से भी आई हूँ. दैट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. अच्छा ये गांव जो है ना अच्छा खासा मेरे ख्याल से बड़ा है. मैं कब से चलना शुरू हुई हूँ और अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा. शुरू में आई तो वहाँ पर मुझे कुछ अंकल बैठे हुए मिले, फिर उसके बाद थोड़ा सा आ गई तो खवातीन अपनी बहन से और बकरियाँ जो उनको लेकर बाहर निकली थी. अभी यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और मैंने ले लिया इनसे बैट. मैंने रिक्वेस्ट किया तो बच्चे इतने स्वीट थे मुझे आराम से बैट दे दिया. तो अभी बच्चे सारे वहाँ जा के बैठ गए. ये लोग अभी कराएंगे मुझे बॉलिंग और थोड़ी देर खेलेंगे हम क्रिकेट और उसके बाद मैं देखती हूँ आगे और गाँव में क्या है.
देखें कि मैं पहाड़ों के बीचों बीच खड़ी हूँ और मेरे पीछे थ्रेशर लगी हुई है और गंदम की कटाई के बाद जो है ना गंदम निकाली जा रही है। मैंने एक्चुअली ये पहली बार देखा है। नॉर्मली हमारे पंजाब के जो गांव देहात हैं वहाँ पे तो ऐसे होता है, लेकिन पहाड़ों के अंदर मशीनरी काम करी हो इस तरह से गंदम निकालने के लिए, ये मैंने पहली बार देखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली चूँकि वहाँ पे सीज़न का डिफरेंस होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में जो है वो गंदम की कटाई हो जाती है और इसके बाद फिर थ्रेशर्स वगैरह हर जगह देख रहे होते हैं, मशीनरी लगी होती है और ये सारा काम चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे पहाड़ों में ख़ासतौर पर मौसम यहाँ पर तब्दील होता है, तो यहाँ पर गंदम वगैरह तब पकती है जब पीक पे सीज़न होता है, यानी कि पीक गर्मी जब होती है ना तब पकती है। तो ये मौसम का भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तकरीबन कह लें 3 से 4 महीने का डिफरेंस आता है गंदम के पकने में। माई होटल और मैं आज रुक रही हूँ टूरिज्म गेस्ट हाउस शिकार में। ये आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा, खूबसूरत से गेस्ट हाउस और इसके पीछे जो गांव है मैं एग्जैक्टली वहीं से भी होकर आ रही हूँ थोड़ी देर पहले, और बहुत ही मज़े का गांव है। अगर आप कभी यहाँ आएँ रुके तो आप गांव जो है करीब वहाँ पे लाजमी चक्कर लगाएगा। अच्छा, इस गेस्ट हाउस के रेट्स जो है ना वो भी बहुत मुनासिब हैं, बहुत मुनासिब। तो जब भी आप शिकार आएँ, झेलम वैली डिस्ट्रिक्ट में आएँ, और आपने अगर शिकार में इर्द गिर्द कहीं घूमना हो तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू गाइस टू स्टे। और मज़े की बात यह है कि अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हैंग आउट करने के लिए आपके पास बहुत सारी जगह हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप गाँव भी जा सकते हैं, गाँव के अलावा फ्रंटल साइड पर इतना कुछ है वॉक के लिए, और वैसे भी थोड़ा सा अगर अपने घूमना फिरना उसके लिए अच्छी खासी जो है जगह मौजूद है, और देर इज़ लॉट ऑफ लाइक ब्यूटी ओवर हेयर विच यू गाइस कुड एंजॉय। अभी मैं अच्छी खासी थक गई हूँ, सो बस मैं अंदर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी अगले प्रोग्राम में अगली खूबसूरत सारी जगह पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़िया असलम। अल्लाह हाफ़िज़।